जनवरी 8-10 पर्यंत भुवनेश्वर रे हेबो अष्टादश प्रवासी भारतीय दिवस। ता पूर्वरु प्रस्तुति समीक्षा करिसंती मुख्यमंत्री। भुवनेश्वर को स्वच्छ सुंदर और आकर्षणीय करी सजाइबा सह शहरवासीक सहभागिता रे प्रस्तुति करबा पई परामर्श देछंती मुख्यमंत्री। प्रवासी भारतीय दिवस प्रथम दिन जनवरी 8 तारीख में वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर, द्वितीय दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और शेष दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एथिरे जोग देबार कार्यक्रम रही। 2036 और 2047 को दृष्टि रखी ओडिशार विजन को मध्य प्रदर्शन करा जीव। प्रवासी भारतीय दिवस प्रथम थर पर ओडिशा रे अनुष्ठित होउछि। विश्व दरबार में ओडिशा को प्रतिष्ठित करने एक सुवर्ण सुजोग। प्रधानमंत्री मध्य एक कार्यक्रम उपरे अत्यंत गुरुत्वारोप करुछंती, तेणु एहाकु त्रुटिशून्य भाव में आयोजित कर समग्र विश्व दरबार में ओडिशार भावमूर्ति को उज्जवल करने से परामर्श देते। समय भुवनेश्वर में प्राय 10 महोत्सव आयोजित हो। जनवरी 7-11 पर्यंत राजाराणी म्यूजिक फेस्टिवल, मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल, इंटरनेशनल ओडिसी डांस फेस्टिवल, आदिवासी नृत्य और लोककला फेस्टिवल सह फ्लावर शो आयोजित हो। जनवरी 5-15 पर्यंत आदिवासी मेला, जनवरी 6-12 पर्यंत चिलिका बार्ड फेस्टिवल अनुष्ठित हो। से भाव में जनवरी 8-10 पर्यंत फूड फेस्ट और नाइट फ्ली मार्केट आयोजित हो। 2025 में जनवरी महीने में ही 8-10 जनवरी भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का बहुत बड़ा आयोजन है। विश्व भर के लोग आने वाले हैं, दुनिया भर के लोगों का आपको स्वागत करने का अवसर मिलने वाला है। और यहां लोग जो भावनाएं लेकर के जाएंगे, पहले G20 में अलग प्रकार के लोग आए थे, ये हमारे देश के ही लोग हैं जो कई वर्षों से विदेशों में रहते हैं, वो सब आ रहे हैं। और ये लोग जब वापिस जाएंगे ना, तो उड़ीसा की इतनी कथाएं दुनिया भर तक पहुंच जाएगी, उड़ीसा का भरपूर प्रचार प्रसार होगा और यहां पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे। उड़ीसा को देश ही नहीं दुनिया के नक्शे पर प्राथमिकता दिलाना चाहते हैं। इस तरह के आयोजन उड़ीसा को मिल रही प्राथमिकता का प्रमाण है। आप अभी से प्रवासी भारतीय दिवस की तैयारियां भी जरूर करें और G20 से भी शानदार होना चाहिए। एक ऐसा अवसर है जिसमें हर कार्यकर्ता अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन कर सके। हमारा ओडिशा स्वच्छ हो, सुंदर हो, हमारे पास एक आध महीना है, शानदार कर सकते हैं, सफाई का बड़ा अभियान चला सकते हैं। यहां की संस्कृति से लोग परिचित हो, इसके जन भागीदारी से करना है। उड़ीसा के हर नागरिक को लगना चाहिए दुनिया के मेहमान मेरे घर आ रहे हैं, ये भावना चाहिए। हम और आप मिलकर के उड़ीसा के गौरव को बढ़ाएंगे। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।